तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पंचायत स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को कौन कौन से विभाग प्राप्त हुए हैं एवं किस मंत्री को कौन से विभाग प्राप्त हुए हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को कौन से विभाग प्राप्त हुए हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री कौन कौन से विभाग जो है संभालेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, श्रीमान विष्णुदेव साय जी की। तो विष्णुदेव साय जी सामान्य प्रशासन एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संपर्क, वाणिज्य कर एवं आबकारी परिवहन एवं अन्य विभाग जो है संभालेंगे। तो अन्य विभाग का मतलब है जो किसी भी मंत्री को आवंटित ना हो, ये सभी विभाग जो है श्रीमान विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्य जो है संभालेंगे। तो दूसरा में बात करते हैं श्रीमान अरुणोदय साय जो कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। तो इनको जो है लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन शक्ति प्राप्त हैं। तो श्रीमान अरुणोदय साय जी ये सभी विभाग को संभालेंगे। तो तीसरा में आ जाते हैं दूसरा उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी। तो विजय शर्मा जी ये सभी विभाग संभालने वाले हैं, गृह एवं जेल विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विभाग एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो श्रीमान विजय शर्मा जी जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं ये सभी विभाग संभालेंगे। तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को, तो किस मंत्री को कौन से विभाग प्राप्त हैं, चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट में बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य एवं पर्यटन एवं संस्कृति। तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को ये सभी विभाग प्राप्त हुए हैं। और दूसरा में आ जाते हैं रामविचार नेताम जी। तो रामविचार नेताम जी को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण। तो ये सभी जो है विभाग रामविचार नेताम जी छत्तीसगढ़ के मंत्री को प्राप्त हैं। और तीसरा में आ जाते हैं श्रीमान केदार कश्यप जी। तो केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु विभाग, परिवर्तन एवं जल संसाधन एवं कौशल विकास एवं सहकारिता विकास विभाग प्राप्त हुए हैं। और तो चौथा में बात करने वाले हैं माननीय श्री ओ पी चौधरी जी को। तो ओ पी चौधरी जी को वित्त विभाग एवं वाणिज्य कर एवं आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग प्राप्त हुए हैं। और पांचवा में बात करते हैं लखनलाल देवांगन जी को। तो लखनलाल देवांगन जी को जो है वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग प्राप्त हुए हैं। तो जो है अब बात करते हैं दयाल दास बघेल जी को। तो दयाल दास बघेल जी को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्राप्त हुए हैं। तो जो है अब बात करते हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी को। तो श्याम बिहारी जायसवाल जी को लोक स्वास्थ्य परिसर और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा बीस एवं बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग प्राप्त हुए हैं। और टेक राम वर्मा जी को जो है खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्राप्त हुए हैं। और जो है लक्ष्मी राजवाड़े जी को जो कि महिला हैं, उनको महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के
मंत्रियों को कौन कौन से विभाग प्राप्त हुए हैं, किसको कौन कौन से विभाग, ये जान गए होंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पंचायत इस टाइम नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।